यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। बीजेपी मुख्यालय में केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शामिल होने के बाद अपर्णा ने सीएम योगी और नड्डा से मुलाकात की। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में शामिल हुई मुलायम यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी चुनाव नहीं लड़वाएगी। अपर्णा को बीजेपी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा सुरक्षित सीट खोजने में अखिलेश ने लगा दिया इतना वक्त, चुनाव लड़ने से डर रहे हैं अखिलेश। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर बीजेपी का हमला, यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा दबाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की अखिलेश यादव को खुली चुनौती, कहा अखिलेश मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ने। लखनऊ कार्यालय पर सार्वजनिक सभा करने के मामले में चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में बड़ी सभा हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने नियमों के पालन के आदेश दिए। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, यूपी उत्तराखंड गोवा पंजाब के उम्मीदवारों पर लगाई जाएगी मोहर, पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के उम्मीदवारों के नाम राजनाथ सिंह फाइनल करेंगे। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं, 2 सीटें लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। चौथे चरण में यहां 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। गोवा में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान होगा। अरविंद केजरीवाल पणजी में घोषणा करेंगे, अमित पालेकर का नाम सीएम रेस में सबसे आगे। चंडीगढ़ में आपका सीएम से डिक्लेयर किया है, क्या है जी गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी का मेगा प्रचार, सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन से संबोधित करेंगे मोदी, हर सीट पर 27 वर्चुअल रैलीज का प्लान है। बीजेपी का मिशन यूपी, गृहमंत्री अमित शाह भी 23 जनवरी के बाद शुरू कर देंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, 8 फरवरी को अखिलेश और ममता की वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में काशी गोरखपुर क्षेत्र समेत कुछ सीटें छोड़कर 160 सीटों पर चर्चा हुई है, गठबंधन को दी जाने वाली सीटें तय। बीजेपी अपने सहयोगी दलों अपना दल निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान आज 4 बजे कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अपना दल को निषाद पार्टी से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। यूपी चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी की गठबंधन दलों से भी बातचीत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी को 17 और अपना दल को 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार, भोजीपुरा से बहुरन लाल मौर्य को टिकट मिला। बीजेपी में यूपी की लखनऊ कैंट सीट पर पेच फंस गया है, बेटे मयंक जोशी को टिकट दिलाने के लिए सांसद पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है रीता बहुगुणा जोशी। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ।
समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद का दर्द छलका, टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तुम मुसलमान मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा छुट्टा बना दिया। समाजवादी पार्टी में बगावत, जलालाबाद से एसपी विधायक शरदवीर सिंह का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होंगे, मौर्य समर्थक को टिकट देने से नाराज। समाजवादी पार्टी में दागियों को टिकट देने के आरोपों पर अखिलेश यादव का निशाना, बोले बीजेपी वाले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के खिलाफ विरोधियों के हमले पर प्रियंका गांधी को गुस्सा आया, बोली संघर्ष करके यहां तक पहुंची है। बिकनी में तस्वीर वायरल कर कुछ संगठन सवाल उठा रहे थे। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया। यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव से नहीं बनी है बात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा यूपी से बीजेपी सरकार का जाना 1947 से भी बड़ी आजादी होगी। 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। इस प्रकार की आजादी जो पाकिस्तान का समर्थन करती हो वो भूल जाए, कभी मिलने वाली है और कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अलीगढ़ शहर से एसपी के उम्मीदवार जफर आलम ने भरा पर्चा, भारी तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका, पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। शामली विधानसभा सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने नामांकन दाखिल किया, कहा बेरोजगारी और किसानों की समस्या होगा मुख्य चुनावी मुद्दा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार, चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनाया, विरोधियों ने शराब के मुद्दे पर घेरा तो मान बोले जनता ने दो बार जिताकर जवाब दे दिया। आज बच्चा बच्चा जानता आज तक वो शराब पी रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम लोगों की सेवा में पहले भी था, आज भी हूँ और लगा रहूंगा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा केजरीवाल ने मजबूरन भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाया, कोई भी आप में जाने को तैयार नहीं, भगवंत सीएम पद के लायक नहीं। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, लुधियाना देहात होशियारपुर समेत 8 जिलों के एसएसपी बदले, फिरोजपुर और बठिंडा के डीसी भी बदले गए। पंजाब में अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी समेत 10 जगहों पर छापा, 10 करोड़ कैश बरामद, छापेमारी जारी। पंजाब में अवैध माइनिंग के मामले में छापेमारी जारी, पठानकोट में कारोबारी सुनील जोशी के घर पर ईडी का छापा, पंजाब कांग्रेस में कारोबारी का दबदबा। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा किसी के यहाँ ईडी से रेड करवा देना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि इनके पास छिपाने को है, हम इससे डरने वाले नहीं। रिश्तेदार के घर ईडी के छापे पर सीएम चन्नी का पलटवार, कहा हमें दबाने की कोशिश हो रही है, हम डरने वाले नहीं। आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान जेल में रहकर ही लड़ेंगे रामपुर सीट से चुनाव, बेटे अब्दुल्ला टांडा से होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, आज कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में अब्दुल्ला कर सकते हैं औपचारिक ऐलान।
यूपी के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज होने पर आज फैसला कर सकती है समाजवादी पार्टी। परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट संभव। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने की उम्मीद। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सिर्फ बहू के टिकट पर ही बन सकती है सहमति। चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शामिल होंगे। गोवा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। लुइजिनो फ्लेरो की फतोर्दा से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। 3 दिन चली पंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। किसी पार्टी को समर्थन नहीं, किसान खुद करे फैसला। जहां ये चाहें वहां वोटिंग का कर सकते हैं। इनको नफा नुकसान इनको खुद देखना है किसानों को। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आज से समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभियान। सीएम योगी के दफ्तर ने वायदे आजम कहकर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, बाप मार डरिस अंधियारे में बेटवा बना बा पावर हाउस। 300 यूनिट मुफ्त पाए, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। नीट स्नातक की काउंसलिंग आज से शुरू। एमसीसी ने वेबसाइट पर जारी किया शेड्यूल। 26 मार्च तक पूरी होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से ओबीसी आरक्षण निरस्त करने वाले आदेश में बदलाव करने की अपील की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी पर विवादित बयान वाले वीडियो की जांच शुरू। पीएम को मारने और गाली देने की बात कही थी, विवाद होने पर पलटे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता विश्वबंधु राय ने आला नेताओं को चिट्ठी लिखी। कहा, शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार से हो रहा नुकसान। कांग्रेस के मंत्री नहीं कर पा रहे जनता के काम। उत्तराखंड के मसूरी में कोरोना विस्फोट। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 84 आईएएस ट्रेनी अधिकारी और कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी थमी। 24 घंटे में 2,82,000 से ज्यादा केस। 441 लोगों की मौत। कल की तुलना में आज 44,000 से ज्यादा मामले बढ़े। देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले। अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।